न्यूज क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबरशिप को ग्रहण कीजिए। आपके सामने तीन विकल्प है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। आज मैं आपके सामने एक बहुत सीधा सवाल रखना चाहता हूं। देश के गृह मंत्री अमित शाह की कभी भी जवाबदेही क्यों नहीं तय की जाती है? उनकी ढेरों असफलताएं हमारे सामने हैं, मगर कभी उनकी जवाबदेही तय क्यों नहीं जाती है? मैं यह समझना चाहता हूं कि देश के गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष नहीं है कि उनका पूरा ध्यान चुनावों पर है। देश इस वक्त कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है, मगर अमित शाह इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि वो देश के गृहमंत्री हैं ही नहीं और ये समस्याएं ही नहीं है। पूर्वोत्तर जो है, इससे पहले भारत से इतना जुदा कभी नहीं रहा। पूर्वोत्तर के अंदर जो है राज्य आपस में लड़ रहे हैं। नागालैंड में जो हालत है वो अप्रत्याशित है, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, मगर सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। आज 6 दिसंबर है दोस्तों, और आज मथुरा जैसी पावन नगरी में, भगवान कृष्ण की नगरी में, हमारे आध्यात्म का केंद्र, वहां पर हिंदू मुस्लिम का तनाव पैदा किया जा रहा है पिछले कई दिनों से। अब आप कह सकते हैं कि देश के गृहमंत्री अमित शाह की क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों को नहीं पता कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी इस वक्त देश के गृहमंत्री अमित शाह के कंधों पर दी गई है। जी हां, उसकी पूरी राजनीति आने वाले दिनों में कैसी होगी, उसकी जिम्मेदारी उन पर दी गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह महज इत्तेफाक ही है कि मथुरा के अंदर एक हिंदुत्ववादी संगठन जिसका नाम नारायणी सेना है, वो ये कहता है कि हम शाही ईदगाह में भगवान कृष्ण की मूर्ति 6 दिसंबर को लगाएंगे। उसी में सुर मिलाते हुए दिखाई देते हैं उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, जब वो कहते हैं कि अयोध्या और काशी तो हो गया, मथुरा की बारी है। जबकि आप जानते हैं मथुरा में हालात जो हैं वो तनाव भरे हैं, फिर भी राज्य के डेप्यूटी सीएम इस तरह का बयान देते हैं। वो फिर बयान देते हैं जालीदार टोपी और लुंगी वालों के बारे में, उन्हें अपराधी बताते हैं और कहते हैं कि पहले उनका जो है जंगल राज जारी था, अब हमने उन पर काबू कर लिया। यानी कि लगातार राज्य के डेप्यूटी सीएम इस तरह के बयान दे रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं कैराना, और वहां पर मंच पर उनके साथ कौन दिखाई देते हैं? मुजफ्फर नगर दंगों में जिस शख्स ने अहम किरदार निभाया था, सुरेश राणा, वो दिखाई देते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिम्मा किसके पास है? इस शख्स के पास, देश के सम्मानित गृहमंत्री अमित शाह। कोई जवाबदेही नहीं है इनकी। खबरें कितनी गंभीर हैं आपके सामने मैं 2 चैनल्स का जिक्र करना चाहूंगा दोस्तों। भारत समाचार, मथुरा में हाई अलर्ट जारी, 3 जोन्स में बटा इलाका, हर एंट्री पॉइंट पर चेकिंग, RAF और PAC तैनात। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इससे पहले मथुरा में इस तरह के हालात कब पैदा हुए हैं? सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने हैं, इस तरह के हालात पैदा किए जाएंगे? और देश के गृहमंत्री का बिल्कुल भी ध्यान यहां नहीं है। खबर देखिए एक दूसरे मंच की, मथुरा में हाई अलर्ट, CCTV ड्रोन से शहर के हर कोने पर पुलिस की नजर, जानिए पूरा मामला क्या है। बार बार वहां तनाव पैदा किया जा रहा है, और यह महज इत्तेफाक नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिम्मा देश के गृहमंत्री अमित शाह के कंधों पर है। और देश के गृहमंत्री अमित शाह का ध्यान कहां है? टेलीग्राफ की खबर देखिए दोस्तों, अमित शाह ने बयान दिया है, कांग्रेस को चेतावनी दे रहे हैं, कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं, अगर हिम्मत है तो राजस्थान में जल्दी चुनाव करके दिखाओ। अमित शाह यह भी कहते हैं कि हम राजस्थान में सरकार को गिराने का प्रयास नहीं कर रहे। वो जो गुरुग्राम में उस रिजॉर्ट में जो 20 विधायकों का ड्रामा हुआ था, जो सचिन पायलट के करीबी थे, वो तो हुआ ही नहीं था ना अमित जी। मगर मैं कुछ और कह रहा हूं। यहां पर अमित शाह कह रहे हैं कि राजस्थान में अगर हिम्मत है तो जल्दी चुनाव करके दिखाओ। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, अमित जी देश के गृह मंत्री हैं, उनका ध्यान होना चाहिए आंतरिक सुरक्षा पर, उनका ध्यान सियासत पर कम होना चाहिए। वैसे तो आप कर सकते हैं, लोकतंत्र है, यह आपका पूरा अधिकार है,
मगर इनका ध्यान देखिए कहां पर है। इनका ध्यान पूरी तरह से इस बात को लेकर है कि राजस्थान में कांग्रेस जो है जल्दी चुनाव कराए, क्योंकि चुनाव लड़ने में भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं। और दूसरी तरफ कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक हालात बद से बदतर बने हुए हैं। नागालैंड में पिछले 48 घंटों में हालात जो हैं अप्रत्याशित हैं। क्यों? क्योंकि असम राइफल्स ने गलती से 14 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया। 14 ग्रामीणों को वहां से जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं दोस्तों, वो अप्रत्याशित हैं। टकराव लगातार बना हुआ है, सेना के एक जवान की भी मौत हो गई है। अमित शाह ने अपनी तरफ से यह बयान दिया है, वो चिंता जता रहे हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो असम राइफल्स ने लॉन्च कर दी है। मैं ये समझना चाहता हूं कि देश का पूर्वोत्तर वैसे ही राजनीतिक तौर पर देश से जुदा रहता है, मगर भारतीय जनता पार्टी की एक एक हरकत के बाद यह प्रमाणित होता जा रहा है कि पूर्वोत्तर को संभालना इनके बस की बात नहीं है। आपको याद है पिछले साल फरवरी 4, 2020 को, अब आप कहेंगे उस दिन क्या हुआ, आपकी स्क्रीन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यह खबर देखिए दोस्तों इनके पसंदीदा न्यूज चैनल की, सॉल्व्ड इंसर्जेंसी प्रॉब्लम्स इन नॉर्थ ईस्ट इन शॉर्ट पीस। प्रधानमंत्री ने आज से 2 साल पहले क्या कहा था, करीब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमने पूर्वोत्तर की तमाम समस्याओं का समाधान कर दिया है और अब पूरे पूर्वोत्तर में शांति बनी हुई है। बताइए ना, शांति कैसी है? प्रधानमंत्री ने क्या कहा पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Prime Minister Narendra Modi on Tuesday asked BJP's parliamentary party members to reach out to the people and apprise them about the historic agreements to thwart insurgency and ensure peace in the northeast. Speaking to BJP MPs on 4th February, the Prime Minister asked them that the historic accords to settle BRU refugees and the Bodo peace accord was not being highlighted and needed to be brought to the fore. हमें बताया गया था कि तमाम मुद्दों का समाधान हो गया है। जी हां, बोडो पीस अकॉर्ड, वो तो आपको याद होगा 2014 में ही दावा किया गया था कि सारा समाधान हो गया, सारा हल हो गया है, और 2020 की शुरुआत में फिर से दावा किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो ये दावा किया था, उस दावे पर क्या प्रधानमंत्री की जवाबदेही यहां पर तय होगी? क्या उनसे सवाल किया जाएगा कि प्रधानमंत्री अब से 1.5 साल पहले आपने यह दावा किया था, अब क्या हो रहा है पूर्वोत्तर में, बताइए ना। बात सिर्फ नागालैंड की नहीं है जिसका जिक्र यहां प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बात तमाम जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहां कुछ ना कुछ असंतोष और अराजकता चल रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि नागालैंड में हालात कितने खराब है, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग नागालैंड पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जिम्मेदारी देश के गृहमंत्री अमित शाह की है और किसी की नहीं है। एनडीटीवी की खबर क्या कह रही है, 5 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि मामला कितना गंभीर हो गया है। नागालैंड के मौन जिले में सुरक्षा ऑपरेशन में चूक और हिंसक भीड़ को काबू के दौरान 14 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि एक जवान की मौत हुई है। नागालैंड पुलिस सूत्रों का कहना है कि मौन जिले में हुई घटना के बाद एक अन्य नागरिक की भी मौत हुई है। सूत्रों का कहना है कि असम राइफल्स के कैंप को घेरने वाले प्रदर्शनकारियों से बचाव के लिए आत्मरक्षा में जवानों ने गोलियां चलाई। पॉइंट नंबर 2, प्रदर्शनकारियों ने असम राइफल्स के कैंप का घेराव किया। तमाम युवक कैंप के अंदर घुस गए और वहां आग लगाने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने कैंप को घेराव किया। सूत्रों का कहना है कि भीड़ की ओर से पत्थरबाजी भी की गई। आत्मरक्षा ने भीड़ को खदेड़ने के लिए हवा में फायरिंग हुई। इस घटना में 6 स्थानीय नागरिक और 7 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। सुरक्षा बलों ने म्यांमार से लगी सीमा पर मौन जिले में उग्रवाद विरोधी अभियान चलाया। सेना ने म्यांमार की सीमा से लगे नागालैंड के मौन जिले के ओटिंग गांव में एक सुरक्षा बलों के अभियान में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नागरिकों की मौत पर गहरा खेद व्यक्त किया है। सेना ने कहा है कि इस ऑपरेशन में एक जवान की मौत हो गई। सेना ने मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। हम आपको बता दें दोस्तों, यहां पर उग्रवादी जो ग्रुप है NSCNK और उल्फा, ये उसका गढ़ रहा है। आज आपको इस सवाल पूछना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी ये दावा करती है कि आंतरिक सुरक्षा में हमारा कोई जवाब नहीं है, उसके शासन में पूर्वोत्तर की हालत ऐसी क्यों होती जा रही है?
नागालैंड आपके सामने मिसाल है। क्या आप भूल गए अभी कुछ ही महीनों पहले मिजोरम और असम में तनाव इस कदर पैदा हो गया था जैसे कि भारत और चीन में एलएसी पर हो गया था। वहां पर मिजोरम ने असम पुलिस के 6 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। असम ने फरमान जारी कर दिया कि मिजोरम से कोई भी गाड़ी आएगी उस पर अंकुश होगा। ऐसा इससे पहले कब हुआ मुझे बताइए ना। एक तो पहले ही पूर्वोत्तर राज्य हाशिए पर रहे हैं, उनकी अनदेखी होती रही है, अब दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं और दोनों ही राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। त्रिपुरा का रुख करते हैं। त्रिपुरा में भी जो है हिंदू मुस्लिम तनाव, वहां पर भी ढेरों ऐसी खबरें आती रहीं, मगर त्रिपुरा की सरकार क्या कर रही थी? त्रिपुरा की सरकार HW न्यूज की 2 महिला पत्रकारों को परेशान कर रही थी उन पर केसेस करके। ये इनका तरीका है दोस्तों, हकीकत पर पर्दा डालना, पत्रकारों को परेशान करना जो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस सब की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर देश के गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही तय क्यों नहीं की जाती? क्योंकि हमसे क्या वादा किया गया था कि जब कश्मीर में धारा 370 हटाई जाएगी तो वहां स्वर्ग आ जाएगा, रामराज्य आ जाएगा। हो क्या रहा है? 40 साल में पहली बार वहां से हिंदू और सिख पलायन करने को मजबूर हुए। 35-35-40 सालों से वहां जो लोग बिहार से आने वाले, उत्तर प्रदेश से आने वाले मजदूर काम कर रहे थे, उन्हें आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। ML बिंद्रू को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। टीचर्स को जो सिर्फ अपना काम कर रहे थे, उन्हें आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। और खुद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जब मैं राज्यपाल था तब ऐसे हालात नहीं हो रहे थे। तो मनोज सिन्हा जी के कार्यकाल में ऐसा कमाल क्यों हो रहा है? यह शख्स मनोज सिन्हा जो कि मौजूदा सर्वे सर्वा है जम्मू कश्मीर के, आपने जम्मू कश्मीर की सूरत बदल दी। धारा 370 हटा के उसे आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया। कहा कि हालात बेहतर होंगे क्योंकि यह वादा आपने पहले भी किया था नोटबंदी करके। क्योंकि आपने क्या कहा था? नोटबंदी हमने लगा दी है, आतंकवाद खत्म। फिर आपने कहा था साहब धारा 370 हमने हटा दिया, आतंकवाद खत्म। क्या हो रहा है आप मुझे बताइए ना। और क्या इस चीज के लिए देश के गृहमंत्री अमित शाह की जवाबदेही तय की जाएगी या नहीं की जाएगी? 2 साल पहले क्या हुआ था? साल 2020 की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पहुंचते हैं और उनके जाने के ठीक बाद दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं। और उस वक्त भी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो जमीन पर दिखाई देते हैं, यानी कि अजीत डोभाल, उसी तरह से कश्मीर में भी वो दिखाई दिए थे, मगर देश के गृहमंत्री नदारद, पूरी तरह से नदारद, कोई जवाबदेही नहीं है। मैं नहीं भूला हूं जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उस वक्त जब भी कोई गृहमंत्री होता था तो उनसे सवाल किए जाते थे। शिवराज पाटिल का मजाक उड़ाया जाता था कि वो एक एक दिन में 3-3 कपड़े बदला करते हैं। उन्हें नौकरी गंवानी पड़ी थी क्योंकि वो आजाद भारत के इतिहास में सबसे नाकारा होम मिनिस्टर्स में शामिल हुए थे। अब आपके सामने ये सब क्या तस्वीरें बताइए ना। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार को ये जवाब देना होगा कि देश के गृहमंत्री अमित शाह देश के गृहमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। इसमें 2 राय नहीं कि राजनीति में, राजनीति करने में उनका कोई सानी नहीं। वो सिद्धांतता सही है या नहीं वो एक अलग मुद्दा है। आप प्रिंसिपली उनकी पॉलिटिक्स से अग्री करते हैं नहीं करते हैं, वो बिल्कुल अलग मुद्दा है। मगर देश के गृहमंत्री को दिखना जरूरी है, देश के गृहमंत्री की जवाबदेही तय करनी बहुत जरूरी है। फिर से इन घटनाओं पर गौर कीजिए जो एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएंगी। कश्मीर से धारा 370 हटाना, हालात बेकाबू। दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे, हालात बेकाबू। और हालात को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी किसकी थी? खुद बीजेपी नेताओं को, क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों शाहीन बाग आंदोलन के दौरान चाहे मौजूदा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के गद्दारों को गोली मारो वाले नारे लगाए थे, या प्रवेश साहिब सिंह ने शाहीन बाग के बारे में जो है भड़काऊ बयान दिए थे, या वो जो बेहोश मिश्रा है कपिल मिश्रा पुलिस की मौजूदगी में कह रहा था कि आज तो पुलिस है, आज तो ट्रंप है, हम जा रहे हैं, कल को आप भी हमें नहीं रोक पाओगे। और फिर क्या हुआ था? इन तीनों में से किसी से भी पूछताछ हुई? किसी की भी जवाबदेही तय की गई सिर्फ इसलिए कि ये सांसद हैं और बीजेपी से जुड़े हुए हैं?
तो कश्मीर, दिल्ली कोई जवाबदेही नहीं। पूर्वोत्तर की बात करते हैं, असम और मिजोरम में तनाव, गोलीबारी, असम के 6 जवान मौत की घाट उतार दिए जाते हैं। क्या कोई जवाबदेही तय की गई? नहीं। पहली बार हो रहा था आजाद भारत के इतिहास में किस तरह से दो राज्यों में जो है टकराव, हिंसक टकराव, और अब नागालैंड। पहले ही इन हालात, इन राज्यों में हालात तनावपूर्ण हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा बर्ताव करती है कि ऐसा कोई नहीं है। दोस्तों, जो आज मुद्दा मैंने अपने इस मंच पर उठाया है, कोई भी न्यूज चैनल आपके सामने नहीं उठा रहा है, और बहुत जरूरी है कि जवाबदेही तय की जाए, क्योंकि लोकतंत्र का यही उसूल है, लोकतंत्र का यही कायदा है कि जिम्मेदार की जवाबदेही तय की जाएगी, फिर चाहे वो जिम्मेदार कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। मगर हकीकत क्या है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों। जवाबदेही तो बहुत दूर की बात, लोगों का ध्यान भी नहीं जाने वाला इस मुद्दे पर। क्यों? क्योंकि इस पूरे हफ्ते भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक ताकत झोंक देने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में हैं, जेपी नड्डा मैदान में हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो पहले से ही मैदान में हैं, तो ये तमाम नेता उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत झोंक देने वाले हैं। तमाम न्यूज चैनल्स में सिर्फ यही तस्वीरें बताई जाएंगी। कोई इस बात पर सवाल नहीं करेगा कि पूर्वोत्तर में क्या हालात हैं, कोई इस बात पर सवाल नहीं करेगा कि पिछले 2 सालों से लगातार इस बात के प्रमाण आ रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में जो आंतरिक सुरक्षा है, वहां हालात बद से बदतर हो रहे हैं, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक दरवाजे पर आकर रुकती है, और वो है देश का गृह मंत्रालय। यह जवाबदेही बिल्कुल भी तय की नहीं जाएगी, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। मगर हमारा वादा है न्यूज चक्र में कि ये मुद्दे उठाते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि जो सत्ता में बैठा है, सवाल तो उसी से होगा, इधर उधर की बातें नहीं, मुद्दे पर लाएंगे हम। नमस्कार।